ओके, वेरी गुड इवनिंग क्लास। पेपर आज सभी लोगों ने पेपर दे लिया है, थोड़ा आने में डिले हो गया, उसके कई पर्सनल कारण थे। तो जैसे आपको पहले बताया गया था कि क्या पढ़ाया जा सकता था उतने दिन में, आपने पेपर देखने के बाद आपको पता चल गया है कि लगभग 70 से ज्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। तो अब देखते हैं हम विदाउट मेकिंग एनी डिले, जहां क्वेश्चन आपको बताया गया है मैं वहां बता दूंगा कि ये आपको बताया गया है। देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोज टेल इन कैंटरबरी टेल्स में, प्रोज टेल कौन है, यही सवाल बताया गया आपको। टेल ऑफ मेलेबी, मेलेबीज टेल और पार्सन टेल दोनों आपको बताए गए थे, ये आपके एग्जाम में आया है और आपने मिला भी लिया होगा, बट ठीक है, ड्यू टू सम वेरी पर्सनल एंड हेक्टिक शेड्यूल आई कुड नॉट बी ऑन टाइम, बट नाउ आई एम, तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये पहला सवाल ही आपको बताया गया था, ये हमारे पास जो सीरीज है वो सीरीज डी है, दिस इज डी सीरीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु डिजायर टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन। अब ये आपको ये लाइन अगर उड टू नाइट एंगल, आपको किड्स को डिस्कस किया गया है, किड्स को पढ़ाया गया है, तो किड्स में ये यूथनेशिया की बात करते हैं, यहां पर यूथनेशिया की बात करते हैं। यूथनेशिया का मतलब होता है मिडनाइट डेथ विश, तो वो एक यूथनेशिया की अगर बात करते हैं तो ये पोइट में ये जो जॉन किट्स बात करते हैं वो टू नाइटिंगेल में बात करते हैं। वैसे एक बात बता दूं कि दुनिया में सबसे पहले लीगलाइज करने वाला यूथनेशिया को, मर्सी किलिंग को लीगलाइज करने वाली कंट्री का नाम नीदरलैंड है, अभी हाल ही में स्पेन ने भी कर दिया है, तो इच्छा मृत्यु जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पहले बताई जा चुकी थी, आप ये नहीं कह सकते कि सर ये बताया नहीं गया था, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि सर क्या दिया जा सकता है, अब आपको ये पता चल गया कि एग्जाम में क्या दिया जा सकता है, ओनली एक्सपीरियंस मैटर्स। और मुझे लगता है कि सबने जिनका पेपर है उन्होंने तो अच्छा परफॉर्म किया ही है फिलहाल, जिनका पेपर नहीं है वो भी अच्छा परफॉर्म करे होंगे। और ये जो है ये आपको पहले भी बताया गया था, और एक मिनट, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स कंटेन अ कॉरिक सॉन्ग, पहले ही बताया गया, करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड, ये आपको पहली लाइन बताई गई है, इसी में है, कॉरिक सॉन्ग भी है इसमें, इसमें कॉरिक सॉन्ग आता है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है जब आप टीजीडी के दौरान या पीजीडी के दौरान आपको पढ़ाया गया था। तो ये लोटस ईटर जिसकी पहली लाइन आपको पीजीडी में पूछा गया था, द करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड, विच टाइप ऑफ ड्रामा द जीबी शाह प्ले, जीबी शाह प्लेज आर्म्स एंड द मैन, ये आपको ये भी बताया गया था, ये भी बताया गया है, तो एंटी रोमांटिक कॉमेडी उन्होंने खुद कहा है इसको, इट्स एंटी रोमांटिक कॉमेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको सारे सवाल बताए गए हैं। अब नेक्स्ट सवाल भी आपको बताया गया है, तो अब आप कहेंगे सर क्या नहीं बताया गया है, ये डिट्टो बताया गया, आप इसमें कुछ इफ एंड बट कर ही नहीं सकते कि नहीं बताया गया है। विच टाइप ऑफ ड्रामा डज, ये आपको बताया जा चुका है, एंटी रोमांटिक कॉमेडी। Who asserted himself as classicist in literature, royalist in politics and religion and Anglo-Catholic in religion? तो ये जो है ये लॉन्सलेट एंड्रूज के प्रेफेस में ये आपको बताया गया था 1928 के, तो ये किसने कहा था, टी.ए. सीलेट ने कहा था, ये भी आपको बताया गया है पूरा लिखा हुआ, तो ये आप कह नहीं सकते कि अगर टेस्ट में तो कम से कम डाला ही गया था। Who has written Culture and Anarchy? ये कई बार आपको बताया गया है, मैथ्यू आर्नल्ड का है, तो ये भी आपको बताया गया है। तो अभी तक के सारे सवाल आपको बताए गए थे, ठीक है, अभी तक के सारे क्वेश्चन आपको हल कराए गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, A character in the Rape of the Lock has the same name as the chief, the Tempest. What is his name? Easiest of the easy था, Ariel, ये भी directly indirectly आपको बताया गया है। Match the list with list one with list two and select the correct answer using the code given below. Hamartia ये आपको बताया गया है, Hamartia का मतलब error of judgment होता है, ये आपको बताया गया है, और peripedia का मतलब होता है reversal of fortune कह सकते हैं, anagnorisis का मतलब recognition होता है, caesura का मतलब होता है a pause in line of words, ये भी आपको बताया गया, कुल मिला के चारों option आपको बताए गए हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास सवाल है, ये हम सीरीज जो हमारे पास डी है, और जॉन कीट्स लावेल डैम समर्सी,
ये ट्रेडिशनल बैलेट है, लिटरेरी बैलेट है, ब्रॉडसाइड बैलेट है, नन ऑफ द, इट्स अ लिटरेरी बैलेट। आपको बताया गया जब बैलेट पढ़ाया गया है, तो लिटरेरी बैलेट किसे कहते हैं, और ट्रेडिशनल बैलेट जिसको फोक बैलेट कहते हैं, ट्रेडिशनल बैलेट इज आल्सो नोन एज फोक बैलेट्स। और फोक बैलेट क्या होता है, फोक बैलेट जैसे हमारा आल्हा होता है, उसका कोई राइटर नहीं होता। ट्रेडिशनल बैलेट की सबसे बड़ी पहचान है कि उसका एक नोन ऑथर होता है। तो इसका हमें पता है कि ला वेल दैम सा मर्सी किसने लिखा है, तो जॉन कीट्स ने। मतलब जो ट्रेडिशनल लिटरेरी बैलेट होता है, लिटरेरी बैलेट की सबसे बड़ी खूबी है कि उसका एक नोन ऑथर होता है। ट्रेडिशनल बैलेट या फोक बैलेट का कोई नोन ऑथर नहीं होता। जैसे जो आल्हा होता है, आल्हा खंड काव्य है, तो आल्हा का कोई राइटर ऑथराइज नहीं है कि इसी ने लिखा, इसलिए वो ट्रेडिशनल बैलेट या फोक बैलेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी एज एन एडिटर निजी मिस्केल ये भी आपको मिला है और बताया गया है। एक मिनट, दरअसल ये नए सेट पे है तो मुझे इसको बार बार स्क्रॉल करने में थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आ रहा है। एंड एज एन एडिटर निजी मिस्केल वाज नॉट एसोसिएटेड विद, भाई क्वेस्ट से थे, इम्प्रिंट से भी थे, पोइट्री इंडिया से भी थी, इसी से नहीं थे, ओपिनियन। और ये भी आपको नोट्स में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेस्टोरल एलिजी, ये भी आपको डिट्टो सवाल फंसा है, कोई दिक्कत आपको नहीं कह सकते। अर्नल्ड कैथेरिस, सेली जेडोनिस, इवन यू कैन प्रोनाउंस इज एडोनाइस, मिल्टन सोलिसिटस, टेनिसन का इन मेमोरियम जो है, ये तो डिट्टो सवाल ही आपको फंसा है, टेस्ट में ही फंसा है, तो और ऑप्शन भी सेम है तो आप ये कह नहीं सकते। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड कौन नहीं है, तो बर्थडे पार्टी में गोल्डबर्ग कैरेक्टर आता है, ययाति जो है उसमें देवयानी, ययाति जो है देवयानी जो है शुक्राचार्य की डॉटर थी, तो उसमें जो मिथोलॉजिकल बैकग्राउंड है। आर्म्स एंड द मैन में जैक टैनर नहीं है, तो ये भी आपको पढ़ाया गया, क्योंकि आर्म्स एंड द मैन मैंने डिटेल में डिस्कस किया था तो ये पढ़ाया गया। काउंटेस कैथलीन में अलील है, जो एक पोएट लवर है काउंटेस का, तो ये कैरेक्टर इसमें आता है काउंटेस कैथलीन में। हालांकि ये कैरेक्टर तो मैंने नहीं बताया था अलील वाला, लेकिन अगर आपको ऐसे जानने की क्या जरूरत है, आपको ऐसे जैक टैनर नाम का कैरेक्टर आपको पता है कि हमने पढ़ाई नहीं, तो हमारा ऐसे ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिसिज्म, क्लासिसिज्म का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। दरअसल क्या है कि ये टेक्निकल सवाल है, और ये सवाल इनफैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो ये कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिसिज्म, इट्स पोइट्री इज ब्रेड मोर इन द हेड देन इन द हार्ट, सही है। इंटेलेक्चुअलिस्टिक मतलब रेशनलिस्टिक होते थे, तो ये बात भी सही है, तो मतलब इमोशनल कम होते थे। द लैंग्वेज हियर टेंड्स टू बी स्टिल्टेड एंड स्टैंडर्डाइज, जो लैंग्वेज था वो कैसे था, स्टिल्टेड था मतलब अननेचुरल था, और स्टैंडर्डाइज रहता था, ये बात भी सही है। फ्रेंड्स satirical models are their ideal, से भी सही था। Vocabulary used to be used is colloquial and technical, ये नहीं है, तो हमारा option यही सही हो जाएगा। ठीक है, और इस पे इन्होंने circle जरूर किया, but tick इन्होंने सही लगाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम next पे चलते हैं, next question हमारे पास है, One of these is not a play by Harold Pinter, इस तरीके का टेक्निकल सवाल होता है, ये निर्भर करता है आपने उसको अगर एक बार देखा। माउंटेन लैंग्वेज दरअसल हरोल्ड पिंटर का है, कोई दिक्कत नहीं है। माउंटेन लैंग्वेज इज 1988 में प्ले है, ये हरोल्ड पिंटर का है। दरअसल ये जो है जंपर्स जो है ना, जंपर्स टॉम स्टुपर्ट का है, टॉम स्टुपर्ट का है। अगर नेट वगैरह के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो ये क्योंकि अननोन नेम था। बिट्रेयल भी क्या कहते हैं, ये 1978 में आता है, ये भी इन्हीं का है, 1978 में आता है। और द केयर टेकर तो आपको पता ही है कि केयर टेकर 1959 में, ऑलमोस्ट 1959 में, तो ये चारों आपको पता है। हमारा ये ऑप्शन क्या था, जंपर्स नहीं है, तो हम जंपर्स इज द करेक्ट वन। Here, who among the following writer is called dramatist of the theatre of absurd? तो इसमें ये सब तो है नहीं, और कोई नाम ही नहीं है theatre of absurd में, हम इन्हीं का नाम ले लेंगे, Harold Pinter। तो a short, neat and witty statement is aphorism हो जाएगा भाई, और क्यों क्या हो जाएगा, aphorism या epigram हो जाएगा। aphorism का मतलब सूक्त होता ना, maxim, to say maximum in minimum, जैसे आप कह सकते हैं फ्रांसिस बेकन की स्टाइल को एफोरिस्टिक स्टाइल कहा जाता है। तो अगर आपको वो भी थोड़ा सा पता है, बताया गया है कि एफोरिज्म क्या होता है, दरअसल शब्दावली चेंज कर दी गई, वर्डिंग चेंज कर दी गई, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। और नेक्स्ट क्या है देखते हैं, ये अरे सर जी ये थोड़ी सी कुछ मिटा मिटा आने, अच्छा अच्छा
विच पीरियड ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री इज रिफर टू एज रेस्टोरेशन एज, कब से कब तक होता है? आपको पता है 1660 से 1700 इस दौर को हम रेस्टोरेशन एज से जानते हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। तो भाई डीजी रॉसेटी प्री रेफलाइट थे, ये भी थे। जॉन रीड एक नॉबलिस्ट थे, विक्टोरियन नॉबलिस्ट थे, तो विक्टोरियन एज के आप कह सकते हैं, ये नहीं थे, ये ऐसे सब जगह होंगे क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर, ये तो बता दिया भाई, ये जॉन रीड, माय गॉड सब गड़बड़ हो जाएगा, ये जॉन रीड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ओड टू द वेस्टमिंस्टर, टेरेसा रीमा में लिखा गया, ये बात सही है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस हीरोइक क्वाटरेन में नहीं लिखा गया है, एडोनिस स्पेंसर इन स्टेंजा में है, ट्रायलस एंड क्रेसिडा क्रेसिड जो है ये चासर का, ये राइम रॉयल में है, तो सही है, ये भी सही है, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो ये बताया ही गया है ना, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं बताया गया है, ये तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो पीडीएफ मिला है उसी में है। तो विलियम लैंगलैंड रोट द पोएम, एक एलिगरी है, एलिगोरिकल नैरेटिव पोएम है, कौन सी है, बेवुल्फ, तो एपिक हो गया, फर्स्ट एपिक, मोटी डी आर्थर नहीं है, सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, ये पीएस द प्लाउमैन है, ये आपको मतलब जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है तो उसमें बताया गया है। मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में कौन कहता है, विलियम ब्लेक कहें, ये भी आपको बताया गया है, आप ये नहीं कह सकते कि आपको नहीं बताया गया है। तो अब तक आप देख रहे हैं ज्यादातर चीजें आपको बताई गई हैं, और ऐसे में तो द कैरेक्टर ऑफ मिस हैबिशाम इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज स्टडी इन, दरअसल क्या है, वो सैडिज्म नहीं है, ये सैडिज्म पे टिक लगा है, सैडिज्म का मतलब होता है मतलब गेटिंग प्लेजर बाय सीइंग समवन इन प्रॉब्लम, लेकिन मैसोकिज्म जो होता है ये मैसोकिज्म है, और मैसोकिज्म का ये डायरेक्टली सवाल मैंने नहीं बताया था, बट अगर कहानी मैंने बताई थी कि वो एस्टेला को पालती है, क्यों पालती है, जस्ट मतलब जस्ट टू गेट गेटिंग सेक्सुअल प्लेजर बाय इंफ्लिक्टिंग पेन ऑन हर्शेल्फ, खुद को क्या कहते हैं, मतलब दरअसल क्या होता है कि मतलब प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग सेक्सुअल प्लेजर फ्रॉम बीइंग फिजिकली हर्ट, तो वो आप इस एक प्रकार की ये स्टडी मिलती है हमें, मैसोकिज्म मिलता है, तो ये डायरेक्टली आपको सवाल नहीं बताया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जॉर्ज ऑरवेल के बारे में, कौन सा सही है, ही वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एसेज, चले ये तो भाई पहली लाइन है तो ये तो सही है ही, और ही रूट एनिमल फॉर्म 1984, ये भी सही है, तो दोनों सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारे पास, Who first brought metaphysical poetry to limelight? दरअसल क्या है, ये सवाल आपको देखने में तो थोड़ा डाइसी था, और डायरेक्टली ये सवाल मैंने नहीं बताया था, बट अगर आप दिमाग से लगाते तो आप कर सकते थे। दरअसल ये जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट मेटाफिजिकल पोएट थे, इन्होंने लाइमलाइट में नहीं लाया, लाइमलाइट में करने का श्रेय हर्बर्ट जॉन इनका जाता है ग्रियर्सन का, और हर्बर्ट जॉन क्लिफर्ड ग्रियर्सन का, हर्बर्ट जिनका नाम हर्बर्ट जॉन क्लिफर्ड ग्रियर्सन और टीएस एलियट जो है, पहले टीएस एलियट को क्रेडिट मिलता था, बाद में इन्होंने भी किया, तो आप कह सकते हैं HJC जो हर्बर्ट जॉन क्लिफर्ड ग्रियर्सन एंड टीएस एलियट लाइमलाइट में लाया आप कह सकते हैं, और जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट तो ये मेटाफिजिकल पोएट रहे ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने लाइमलाइट में लाया, तो थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था ये। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारे पास, इफ पैराडॉक्सिकल अट्रेंस कंबाइंस टू टर्म्स दैट इन ऑर्डिनरी यूसेज आर कंट्राडिक्टरी, तो यहां पर हम क्या करें, कंसीट होता नहीं, ऑनोमेटोपिया होता नहीं, और एलिगरी होता नहीं, तो ये प्राइमा फेसी सही है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर मेंशन इन द पोएम, ये भी पूछने की सवाल है, ये तो मतलब इजीस्ट ऑफ द इजी आप कह सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर इन चासर प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, एक मिनट, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन चासर प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स इज सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट की बात करेंगे तो ये तो है नहीं,
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दरअसल क्लर्क क्या है, अपना जीवन किताबों में लगाता है, नॉर्मल जीवन जीता है। तो हम यहाँ पर क्लर्क पे कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन क्या है, दिस इज क्लर्क ऑफ ऑक्सफर्ड। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज ऑफ गिरीश कर्नाड इज नॉट बेस्ड ऑन एंड एंशियंट इंडियन मिथोलॉजी। तो अब हम के हैवदना मिथोलॉजी पे है, ठीक है। हाँ, मिथ्स आर स्टोरी। तो ये जो हैवदना मिथोलॉजिकल है, अययाति भी मिथोलॉजिकल है, सेक्रीफाइस भी है। तुगलक आप जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक पे है, तो आप इसी को कहेंगे, दिस इज तुगलक। तो ये उस पे आधारित नहीं है, मिथोलॉजिकल पे। द स्टेटमेंट इट डिजॉल्व्स, इट डिफ्यूजेस, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। फैंसी और इमेजिनेशन की बायोग्राफी लिटरेरिया में जब बात होती है तो उसमें फैंसी तो आप समझते हो नहीं सकता, इमेजिनेशन की बात है। प्राइमरी इमेजिनेशन तो सेंसेशन क्रिएट करती है, सेकेंडरी इमेजिनेशन का काम होता है ये। सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या करती है, डिजॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डिसिपेट इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। ये आपको बताया गया है, अगर आप एम एच अब्रम्स का जो आपको दिया गया है नोट्स उसमें ये है। व्हेन डब्ल्यू बी येट्स वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये भी आपको बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड की बात करेंगे हम तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करेंगे हम, मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए तो भाई रिचर्ड क्राशा आते हैं उसमें। रिफॉर्मेशन मार्टिन लूथर के लिए, वो धार्मिक सुधार के लिए था, प्री रेफलाइट। क्लासिसिज्म से वाल्टर डी लमेयर नहीं जुड़े हैं, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा। इसमें पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यही सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, जो कोड दिया गया है आपको, ये अच्छा इसी के लिए है। तो ओनली फोर इज इन करेक्ट, तो ये सही है, क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट्री में रिचर्ड क्राशा आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उट्स आर लवली एंड डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये बताने की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, ऑलरेडी टिक्ड है, जिनका पेपर उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और आई एम हैप्पी कि आई हैव स्टूडेंट लाइक हर। मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। भाई ये यूस्टेशिया वाई की तो अभी मैंने कल ही चर्चा करी थी, कल या परसों ही करी थी, तो ये यहीं से क्लियर हो जाता आपका। एलिजाबेथ जेन की बात करेंगे तो मेरा कैस्टर ब्रिज में आती है। शुभ राइट की बात करें जो द ऑब्स्क्योर में आती है। और ये बेसी बाय एवरडीन फार फ्रॉम द मैडिंग राउट, इजिएस्ट ऑफ द इजी था, इसी से आप कैच कर सकते थे। और मैंने ये बताया भी था कि ये सवाल आ, इस पे मैंने कुछ एक्सप्लेन भी किया था, तो आप कह सकते हैं डिट्टो आया है। अभी भी बताने की जरूरत पड़ेगी, लाइफ इज अ बट वॉकिंग शेडो ऑफ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर, इट्स अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, एक्ट फाइव सीन फाइव। तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग खुद ही इतने समझदार हैं। रिफॉर्मेशन एक प्रकार का रिलीजियस मूवमेंट था, तो ये रिफॉर्मेशन एक रिलीजियस मूवमेंट था। हु अमंग द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक, ग्रे और कॉलिंस के गए, वुड टू इवनिंग तो हम लोगों ने पढ़ी है, वुड टू इवनिंग ग्रे का एनालॉजी रिटन इन गंडी चर्चयार्ड, और ये कॉलिंस, विलियम कॉलिंस और थॉमस ग्रे आते हैं, ठीक है, और कोई हो ही नहीं सकता। अब इससे उमदा पेपर क्या हो गया, एंड विच एशे डिड मैथ्यू अर्नोल्ड डिफाइन पोइट्री एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, किसी न किसी वीडियो में, हाल ही के किसी न किसी वीडियो में ये भी बताया गया है कि किसमें डिफाइन किया गया है, किसमें डिफाइन किया गया है। एक मिनट, लेट मी हैव अरेजर बिकॉज तो ये स्टडी ऑफ पोइट्री में आपको बताया गया है, ठीक है, ठीक है। इन विच एशे डिड मैथ्यू अर्नोल्ड डिफाइन पोइट्री एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो आपको बताया गया ये सवाल। नेम द राइटर हु हैज रिटन फॉर हुम द बेल टॉल्स, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ये कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ही हैं, ठीक है। और पोप एपिसोड टू डॉक्टर अर्बर्ट नॉट इज अ मॉक एपिक, सबसे मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल, यही उनकी सबसे ज्यादा मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल है, जो फिजिशियन है अर्बर्ट नॉट उन्हीं के ऊपर है, तो ये सेल्फ डेप्रिकेटरी नहीं है, ये आप सेल्फ डिसअप्रूविंग होता है, सेल्फ क्रिटिकल होता है। तो ये क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल में आता है, तो आप इसको यही कहेंगे। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये मैंने नहीं बताया था कि यही है, बट अगर आप पढ़े होते पोइम तो पता, ये सवाल मैंने नहीं बताया है, आई एक्सेप्ट।
जो नहीं बताया तो कि मैं एक्सेप्ट कर लूं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एलिजी? एलिजी ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीक वेयर ग्रीक्स जस्ट दिस कंपोजिशन एंड कंटेंट। एलिजी नाउअडेज टेक्स इट फॉर्म। दोनों सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, एलिजी नाउअडेज टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट मैटर, नॉट फ्रॉम इट्स फॉर्म। अब फॉर्म की तरजीह नहीं दी जाती, सब्जेक्ट मैटर उसमें, यही सही है। बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू मिल्टन्स पोइट्री? मिल्टन्स पोइट्री के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? इट्स टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर। पहली बात तो ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, ये राइम रॉयल में भी नहीं लिखा है। तो इसमें पूछा है इज नॉट करेक्ट, तो हम कहेंगे थ्री एंड फोर आर नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सही टिक किया गया है। वट इज द मेन थीम ऑफ द टैगोर गीतांजलि का है? सॉन्ग ऑफरिंग से, अगर आप सॉन्ग ऑफरिंग अगर गीतांजलि का मतलब समझते तो आप समझ देते सॉन्ग ऑफरिंग, जिसका मतलब होता है 103 पोइम का एक कलेक्शन था, ये आपको बताया गया है। सॉन्ग ऑफरिंग बताया गया था, डिवोशन टू गॉड डायरेक्ट नहीं बताया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स नरेट द स्टोरी ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम? ये कंथापुरा है, जो मूर्ति वाला कैरेक्टर है आप कह सकते हैं। द सर्पेंट एंड द रूप द कैट एंड द शेक्सपियर टुमारो, ये आपको पता है कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है ये। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स स्टेटेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही वॉज? ये डायरेक्टली तो आपको नहीं बताया गया, बट नोट्स में कहीं ना कहीं उपलब्ध होगा, ये किसी वीडियो में दिया गया। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स स्टेटेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही वॉज द मास्टर ऑफ मॉडर्न एंड परहैप्स एंसेंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? ड्राइडन ने कहा है, ये सही है, ऑप्शन टिक सही लगाया है इनका। और इन विच ऑफ दीज नॉवेल, ये आपको बताया गया है, डिट्टो बताया गया है आपको, ये डिट्टो बताया गया है। आपने अगर क्लास में अगर लिया होगा, जब मैं हाउस फॉर मिस्टर विश्वास को एक्सप्लेन किया हूँ, उसमें आपको बताया गया है कि वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है, वो हिंदू प्रीस्ट बनता है, साइनबोर्ड पेंटर रहता है, ग्रॉसरी प्रोप्राइटर एंड देन रिपोर्टर फॉर ट्रिनिडाद सेंटिनल। ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास मोहन वाला जो करेक्टर है वो आपको बताया, मिस्टर मोहन विश्वास। हु कंसीडर्स थेली एज अ ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल, ये भी कई बार बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीस्ट ऑफ द इजी सवाल है। व्हाट इज द लास्ट सेक्शन, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न जाने कितनी बार आपको BGF DW बताया गया है, BGF DW बताया गया है। व्हाट द थंडर सेट लास्ट हो जाएगा, हाँ, बरियल अपडेट गेम ऑफ चेस फायर सरमन डेथ बाय वाटर व्हाट द थंडर सेट। टर्जरीमा इज स्टैंजा फॉर्म, वो इंटरलॉकिंग टर्सेट होता है, ABA BCB और CDC इस तरीके से हो जाएगा। तो यही हमारा फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। T.S. Eliot's objective correlative signifies the writer's ability, edit to सवाल है, शायद 2016 में सेम सवाल को सेम ऑप्शन के साथ रिपीट किया गया है, तो ये आपको हल कराया गया है। तो ऑब्जेक्टिफाई द इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, दिस वन इज ओके बताया गया है। Who criticized P.B. Shelley's vehemently in modern age, ध्यान रहे मॉडर्न एज, विक्टोरियन एज में तो इन्होंने किया, मॉडर्न एज में F.R. Lewis ने किया है, ध्यान रहे बहुत डिवेल्यू किया है उनको। तो आप जैसे कुछ लोगों का नाम ना सुने रहे तो ऐसे जगह ट्रिक नहीं लगाना चाहिए। खैर अब ये बात पैसेज की बात करेंगे, हम डायरेक्ट पैसेज के आंसर पे आ जाएंगे। दरअसल पैसेज पढ़ेंगे तो इट विल टेक मच मोर टाइम, हम डायरेक्ट पैसेज के उसी पे आते हैं। तो पैसेज पे आते हैं, हम डायरेक्ट देखते हैं क्या है, आंसर पे आते हैं क्या है हमारे पास। ये पैसेज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अब पैसेज इज वेरी लेंदी एंड क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, जो जरूरी है। एक मिनट, ये जो है द ग्रेटेस्ट एम्बिशन ऑफ यंग ऑथर इज, द ग्रेटेस्ट एम्बिशन ऑफ यंग ऑथर इज क्या है? टू बी एक्नोलेज्ड एट वंस एज अ न्यू लाइट इन लिटरेचर, जी हाँ, यहां सही लगा है टिक, कोई दिक्कत नहीं है। और आफ्टर अ फेयर लॉन्चिंग ऑफ अ बुक The serious ordeal a young author has to face is to run the gauntlet of the critics, each of whom is thirsty for his scalp. ये भी आपके ये सही है, to get a wider publicity, to get back, यही सही है, ठीक है। तो next देखते हैं हम क्या है, और बाकी final जो answer आएगा वो commission से आप मिलाइएगा, जो मुझे लग रहा है
मैं पैसे तो पढ़ रही हूँ। द ऑथर्स बेस्ट एटीट्यूड टुवर्ड द क्रिटिक्स शुड बी टू रिगार्ड क्रिटिसिज्म एज कॉमिकल रादर देन फॉर्मिडेबल एंड गो। यही सही है और बहुत ही सटीक आंसर दिया है। इनफैक्ट मैं अगर पेपर दे रहा होता तो मैं भी ये टिक करता, तो आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने भी लगाया बड़ा तगड़ा लगाया है। और द एडिटर्स एंड पब्लिशर्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर, तो वो क्या है, मियर ब्रोकर्स हु कंडक्ट देयर बिजनेस ऑन द हार्डेस्ट लाइन ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपैथेटिक टुवर्ड्स अ यंग ऑथर। वो इसीलिए हैं सिंपैथेटिक क्योंकि वो कुछ पैसा कमाना होता है, एंग्जियस अबाउट प्लेसिंग द, तो प्राइमा फेशी दिस वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, नेक्स्ट पैसेज में, तो दूसरे पैसेज की बात 95 से 98 की बात करेंगे हम। तो अब यहाँ है द पर्पज एंड फंक्शन ऑफ राष्ट्रीय यज्ञ। जब देखेंगे हम पैसेज को पढ़ेंगे तो हमको यही मिलता है, इम्ब्यू द किंग विद डिवाइन पावर। और अकॉर्डिंग टू तैत्रेय उपनिषद प्रजापति सेंट हिज सन इंद्र टू बिकम द किंग। तो ये जो है प्रजापति सेंट हिज सन, तो ये करेक्ट लगा है, टिक सही लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब अकॉर्डिंग टू आत्रेय ब्राह्मण के अनुसार द गॉड्स अपॉइंटेड इंद्र देयर किंग। जी हाँ, ये भी सही है, तो यहाँ भी सही है पैसेज में लगभग इन्होंने बड़ा अच्छा है। रिचुअल ऑफ राजसूय लास्टेड फॉर, एक साल से ज्यादा चलता था, ओवर अ ईयर, तो एक साल से ज्यादा कौन हो गया, एक साल से ज्यादा तो यही हो गया ना, मोर देन 12 मंथ्स, ओवर अ ईयर, तो उसमें आता है पैसेज। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है इसमें। चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स एंड एंटोनिम फॉर मीरियड। मीरियड का मतलब होता है इन्यूमरेबल या असंख्य, तो यहाँ पर ये तो सिनोनिम हो जाएगा मेसमराइजिंग, आप जानते हैं मनमोहक। लिमिटेड इज द करेक्ट वन, तो लिमिटेड पे हम चलेंगे, करेक्ट वन। और फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन सेलेक्टिंग फ्रॉम द, सी फाउंड इट डिफिकल्ट टू पुट अप विद, बर्दाश्त करने के लिए पुट अप विद होता है, ये आपको कई बार बताया गया होगा, एक बार नहीं कई बार। ये हो गया क्या जी, क्यों पुष्पेंद्र 100 के बाद नहीं भाई, ये 10 क्वेश्चन और कहां थे। आई एम वेरी सॉरी, पीडीएफ कुछ और चली गई है, तो उसमें 20 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, 20 क्वेश्चंस रिमेनिंग, ये पीडीएफ दूसरी सेट हो गई थी। और भाई होगी पीडीएफ में तो होगी ना, लगाइए एक पेज छूट गया है, ये दूसरा लगा दीजिए, है मेरे पास, रुकिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आंसर बता दे रहा ना, तो क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ना। अभी कैसे बताएंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन तो दूसरी में से ना तो देख लेना चाहिए था, एक बार आप कर रहे थे, हमने सोचा भेज दिया इसे। दरअसल ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन उसमें है नहीं, क्योंकि जो पेपर भेजा गया मैंने सोचा पूरा है, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट जो भी सवाल आए थे ज्यादातर आपको बताए गए हैं, मैं ही ब्रेक ऑफ करता हूँ और बाकी फिर पीडीएफ अगर अपलोड करूंगा तो पूरा डाल दूंगा। तो 20 क्वेश्चंस उसमें से ऐप में आपको मिल जाएगा, ऐप में पूरा मिल जाएगा रिटर्न। ठीक है, थैंक यू। क्या